मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज पुनः एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलें भाग दो की, अर्थात इससे पहले वीडियो जो हमने पढ़ा उससे आगे कंटिन्यू राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ हम राजस्थान की अगली महत्वपूर्ण जो फसलें हैं चावल और मक्का के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने राजस्थान की प्रमुख फसलों में गेहूं और बाजरे के बारे में अध्ययन किया और इस वीडियो में हम चावल और मक्का के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल के बारे में हम बात करें तो चावल के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो चावल जो है राजस्थान की एक प्रमुख खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है और गेहूं और बाजरे के बाद तीसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न की फसल चावल है। अर्थात राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है वो बाजरा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर गेहूं है और तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल का स्थान है। चावल के लिए यदि हम भौगोलिक दशाओं की बात करें तो चावल जो है आर्द्र उपोष्ण उष्ण जलवायु की फसल है। अर्थात चावल का जो पौधा है वो उष्णाद्र जलवायु का पौधा है जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इसके लिए तापमान भी अधिक चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि चावल एक उष्णाद्र कटिबंध की फसल है और राजस्थान में चूंकि तापमान की दशाएं तो काफी ज्यादा है लेकिन वर्षा की मात्रा कम है, इसी कारण से राजस्थान में चावल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर उगाया जाता है और केवल उन्हीं इलाकों में चावल की फसल उत्पादित की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ताकि पानी की पूर्ति वर्षा के द्वारा ना हो पाने की स्थिति में सिंचाई के द्वारा उस फसल को जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो चावल है वो विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो यहाँ हम बात करें कि चावल के लिए तापमान की, तो चावल के लिए जो तापमान है वो लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चावल की फसल के लिए आदर्श माना जाता है। वहीं यदि हम वर्षा की मात्रा की बात करें तो चावल की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात वर्षा अधिक चाहिए। चावल जो है आर्द्र कटिबंध का पौधा है या फिर इसके लिए आर्द्रता या नमी या पानी की मात्रा अधिक चाहिए और जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहीं पर चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। लेकिन यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले केवल कुछ ही जगह है, बाकी राजस्थान में वर्षा की मात्रा ज्यादातर इलाकों में 100 सेंटीमीटर से कम ही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान के जो उत्तरी और दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है तो वहां सिंचाई के द्वारा ही प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में जो चावल की फसल है वो मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही की जाती है और चावल के लिए मृदा चिकनी उपजाऊ मिट्टी जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात जो चिकनी मिट्टी है और जिसमें उपजाऊपन काफी ठीक होता है तो ऐसी चिकनी उपजाऊ मिट्टी में ही चावल की फसल उगाई जाती है। अब हम यहाँ बात करें राजस्थान में चावल के उत्पादन और वितरण की, राजस्थान में चावल कहाँ पर ज्यादा पैदा किया जाता है और मुख्य रूप से उसकी उत्पादकता कहाँ ज्यादा है। तो यदि हम क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में चावल का प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो बूंदी जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और उदयपुर, ये जो जिले हैं ये राजस्थान में चावल उत्पादन के अग्रणी जिले हैं। यहाँ सबसे ज्यादा क्षेत्र पर चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में चावल ज्यादातर आप देख सकते हैं दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर या फिर राजस्थान का उत्तरी हनुमानगढ़ जिला है जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा है या फिर जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, तो उन्हीं क्षेत्रों में चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। और यदि हम उत्पादन और उत्पादकता के मामले में बात करें कि राजस्थान में चावल का उत्पादन ज्यादा कहाँ पर है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जहां ज्यादा कहां पर है तो हनुमानगढ़ जिला और बूंदी जिले ये दो महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर चावल का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है।
तो हनुमानगढ़, बूंदी, फिर बांसवाड़ा और उदयपुर का स्थान आता है। तो राजस्थान में चावल उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी जो जिला है वो हनुमानगढ़ है और उसके बाद में बूंदी, बांसवाड़ा और उदयपुर का स्थान आता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र थे। और राजस्थान में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण चावल की जो फसल है या किस्म है वो है माही सुगंधा, जो कि चावल की एक बहुत ही विख्यात और बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है माही सुगंधा। और इस माही सुगंधा किस्म का विकास कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा किया गया है। अर्थात ये राजस्थान में ही कृषि अनुसंधान केंद्र जो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है वहां से ये विकसित किस्म है जो कि राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो इस प्रकार से ये चावल के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण फसल की, और अगली महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पर मक्का। तो मक्का की बात करें और मक्का जो है खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। और देश का लगभग 1/8 भाग मक्का का उत्पादन राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान भारत का लगभग 1/8 भाग मक्का का उत्पादन करता है। मक्का की यदि हम आदर्श दशाओं की बात करें तो मक्का एक उपोष्ण जलवायु का पौधा है जिसके लिए तापमान अधिक आवश्यक है और इसके लिए वर्षा की मात्रा मध्यम होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मक्का के लिए तापमान लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की दशाएं मक्का उत्पादन हेतु आदर्श मानी जाती हैं। वहीं यदि हम वर्षा की बात करें तो मक्का के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। तो राजस्थान में काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो इन आदर्श दशाओं की पूर्ति करते हैं, इसी वजह से राजस्थान में मक्का का उत्पादन काफी क्षेत्र पर किया जाता है। और यदि हम मिट्टी की बात करें तो मक्का की फसल के उत्पादन हेतु दोमट व लाल पीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात मक्का उत्पादन दोमट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी में आदर्श तरीके से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मक्का के उत्पादन और वितरण की। तो मक्का का उत्पादन राजस्थान में 2015-16 के आंकड़े दिए गए हैं। तो 2015-16 में राजस्थान में मक्का का कुल उत्पादन 11.41 लाख टन हुआ। तो 11.41 लाख टन उत्पादन 2015-16 में हुआ राजस्थान में, जो भारत का लगभग 1/8 भाग है। और क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद जिले शामिल हैं, ये राजस्थान में मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में मक्का उत्पादन की जो पेटी है वो मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग में है जिसमें सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में किया जाता है। और यदि हम उत्पादकता की बात करें और उत्पादन की कुल मात्रा के आधार पर बात करें तो आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो प्रथम स्थान रखता है। अर्थात राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले से होता है, जबकि क्षेत्रफल मक्का की फसल का उदयपुर में सबसे ज्यादा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में चित्तौड़गढ़ आगे है। और उत्पादन में चित्तौड़गढ़ के अलावा फिर दूसरे स्थान पर उदयपुर है, फिर बांसवाड़ा और भीलवाड़ा का स्थान है। तो ये राजस्थान में मक्का उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। और यदि हम मक्का की एक महत्वपूर्ण किस्म की बात करें तो मक्का की सबसे महत्वपूर्ण किस्म यहाँ लिखी हुई है माही कंचन, जो कि विश्व विख्यात मक्का की किस्म है माही कंचन। और इस माही कंचन किस्म का भी विकास कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा किया गया है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित मक्का की महत्वपूर्ण किस्म है माही कंचन, जबकि चावल की महत्वपूर्ण किस्म थी माही सुगंधा। और ये जो है कंपटीशन पेपर में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि माही सुगंधा जो किस्म है वो किस फसल से संबंधित है या फिर किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा माही सुगंधा चावल की किस्म है जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है, और माही कंचन और माही धवल ये दो किस्में हैं जो मक्का की हैं, जिसमें से माही कंचन का विकास कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने किया है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण किस्म माही धवल, जो भी मक्का की एक महत्वपूर्ण और अधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये
दो फसलों के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।